हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 1 यूनिट 1 प्लांट वर्ल्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्लास 5 का कुछ एक्सप्लेन किया था। टॉपिक्स वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड और स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड था, जर्मिनेशन ऑफ सीड और जर्मिनेशन। देन उसके बीच में मैंने मोनोकोट और डाइकोट, कॉटिलेडन, एम्ब्रोस, सीड कोट वगैरह मैंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था आपको। आज के वीडियो में मैं आपको डिस्पर्सल ऑफ सीड बढ़ाने जा रही हूँ। हैव यू एवर इमेजिन इफ टू मेनी सीड्स आर सोन टू क्लोज टू ईच अदर, व्हाट हैपन? आपने कभी ये सोचा है कि बहुत सारे यदि बीज एक जगह हम बो दें, एक जगह में, एक ही पोजिशन में, तो क्या होगा? दे विल नॉट एवर बी ग्रो और जर्मिनेट। ओके, क्या होगा? वो जर्मिनेट और बढ़ नहीं पाएंगे। ओके, देयर विल बी स्ट्रगल फॉर फूड, वाटर, सनलाइट अमॉन्ग टू मेनी सीड्स। और इन सभी सीड के बीच में आपस में क्या होगा? स्ट्रगल होगा, ठीक है, होड़ लगी होगी कि खाने के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, ठीक है। नाउ सीड नीड सफिशियंट अमाउंट ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर टू ग्रो इन टू हेल्दी प्लांट। कोई भी सीड है उसको सफिशियंट अमाउंट में सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, किस लिए? बढ़ने के लिए, एक हेल्दी प्लांट के रूप में ग्रो करने के लिए। ओके, दैट इज वाई नेचर हेल्प इन स्कैटरिंग द सीड एंड इंश्योर दैट दे अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, दैट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। ये काम नेचर खुद ब खुद कर देता है। वो क्या करता है? सीड को एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेज देना, ठीक है, डिस्पर्स कर देना, स्कैटर कर देना, छिट देना, ठीक है, मदर प्लांट से दूर जा करके। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल। द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जो है कुछ एजेंट्स है वो किस तरह कैरिड आउट होता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। ओके, दे आर द एजेंट ऑफ द सीड डिस्पर्सल। हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, जानवरों के द्वारा और एक्सप्लोजन, जैसे बम विस्फोट होते हैं ना, ठीक उसी तरह कुछ फ्रूट्स जो है एक्सप्लोड करते हैं। ओके, नाउ बाय विंड, कुछ सीड है जैसे डैंडेलियन और मैपल यहाँ दिखाया गया है। ये क्या होता है? इतना हल्का होता है कि ये हवा में जब ये राइपन हो जाता है, पक जाता है, तो क्या होता है, हवा में ये उड़ने लगता है, ठीक है। और उनमें क्या होता है, कुछ हेयर्स होते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने कई बार देखा होगा हमें उड़ते हुए। ओके, ये विंग्स हैं उनके और वो हवा के साथ बहुत दूर तक आसानी से जाते हैं। और फिर कहाँ क्या होता है, जहां वो दब गए किसी कारणवश, वो मिट्टी में बैठ गए, उनको वाटर मिला, उनको सनलाइट मिला, उनको सही सॉइल मिला, तो क्या होगा, वो वहां जर्मिनेट कर जाएंगे एक न्यू प्लांट के रूप में। ओके, नाउ बाय वाटर। अब ये पानी के द्वारा कैसे होता है? आपने कभी इमेजिन किया है कोस्टल रीजन में, केरला वगैरह में नदी के किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग डिस्टेंस पर नारियल का पेड़ दूर तक लगाते हुए जाते हैं, नहीं। इसका रीजन ये है कि नारियल जो होता है वो पकने के बाद जब वो पानी में गिरता है तो क्या हो जाता है, वो हल्का हो जाता है और वो क्या होता है, फ्लोट करने लगता है पानी के उस सतह पर, वो तैरने लगता है। तो जब एक नारियल के पेड़ से जब राइपन फ्रूट गिरेगा पानी में नदी के किनारे, तो क्या होगा कि वो फ्लोट करके दूसरे जगह तक जाएगा और जहां भी वो क्या होगा कि मैनग्रोव जो है उसके साथ, जहां भी ये कोकोनट और डेट्स फ्रूट और जो मैनग्रोव प्लांट है वो दूर तक लेके जाएगा और जहां सही कंडीशन मिलेगा वहां एक न्यू प्लांट के रूप में ये बाहर आ जाएगा। नाउ द थर्ड वन इज एनिमल्स। बर्ड और एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं। ओके, ये फ्रूट्स का जो सीड होता है इनको ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करते हैं। ओके, और ये क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं इस सीड को बाय दियर टॉयलेट्स और बीड्स कम आउट, ठीक है, ये बाहर आ जाता है पूरी उसी तरह और जहां वो सही कंडीशन मिलता है वहां वो ग्रोथ कर जाते हैं, ठीक है। जैसे सम सीड लाइक बर्ड टॉक्स, स्टिकी हेयर एंड हुक्स गेट अटैच टू द फर ऑफ द एनिमल्स एंड कैरी फ्रॉम द डिस्पर्सल। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी रास्ते किनारे जब आप लोग जाते हो तो कुछ कांटेदार
फल एक पेड़ में दिखता है, वो क्या होता है, वो जब भैंस या गाय चारा करने के लिए जाती है या बकरियां चारा करने के लिए इन फील्डों में जाती हैं, तो क्या होता है, ये उनके हेयर्स के साथ लग जाता है। और जब वो घर आता है तो क्या करता है, मालिक उसको निकाल करके फेंक देता है, या मे बी वो कहीं गिर जाता है और सही कंडीशन आने पे वहां एक न्यू प्लांट हो जाता है। तो इसी तरह बर्ड और एनिमल्स भी अपना एक बहुत ही वाइटल रोल देते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड में। ओके, इन नेक्स्ट पेज वी हैव सम टॉपिक ऑल्सो हियर, द लास्ट वन इज एक्सप्लोजन। ओके, व्हाट इज एक्सप्लोजन, द ब्रस्टिंग। समटाइम वी सी पोमोग्रेनेट, आपका अनार जब क्या होता है पक जाता है तो वो क्या होता है, ब्रस्ट कर जाता है और वहां जो प्लांट के नीचे सारे सीड जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं, उनमें से कुछ सीड जो है सही कंडीशन मिलता है, सही रूप में उनको सारा कंडीशन मिल जाता है, वाटर एयर सब कुछ मिल जाता है, तो वो क्या होता है वहीं में हो जाता है। या फिर ये कुछ क्या होते हैं, फ्रूट्स के सीड जो है कुछ जानवर द्वारा खाया चला जाता है, कुछ बर्ड्स क्या करते हैं उनको खा लेते हैं और दूसरे जगह जाकर के फिर इसको क्या करते हैं न्यू प्लांट में अराइज हो जाता है। तो बाय एक्सप्लोजन भी, पी का भी वही होता है, मटर का जब वो पूरी तरह से पक जाता है तो खुद ब खुद फट जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सप्लोजन। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये टॉपिक रिप्रोडक्शन थ्रू प्लांट पार्ट्स बताऊंगी। ओके, आज के लिए इतना ही, जो भी मैंने पढ़ाया उसको रिविजन करेंगे। ओके, बाय, स्टे सेफ।